कर्नाटक के सियासी संग्राम में जहां सरकार बनाने के लिए घमासान हो रहा है, वहीं कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाए जाने पर सूबे में इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। सियासी घमासान के बीच कांग्रेस की तरफ से भाजपा की सरकार बनाए जाने की निंदा की जा रही, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च निकाल रहे हैं तो कहीं मोदी के पुतले फूंक रहे हैं। बता दें, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने पैदल मार्च निकालकर बीजेपी का विरोध किया है। वहीं कर्नाटक में सरकार के बनाने को लेकर के मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि कर्नाटक में सरकार बनाकर भाजपा ने प्रजातंत्र की और संविधान की धज्जियां उड़ाई है। सरकार बनाने की परंपरा को मोदी सरकार और कर्नाटक के राज्यपाल ने दरकिनार किया है। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के लिए ना कानून है, ना विधान है और ना ही संविधान है, और इसके लिए पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा है। कर्नाटक के चुनावी रण में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच के मुकाबले ने ऐसा रंग ले लिया जिससे चुनावी गणित को हल करने में पसीने छूटे जा रहे हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।